हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 12 की गणित चैप्टर 13 यानी प्रायिकता के 1 शॉट का, जो कि आज पार्ट 2 है और आज की क्लास आपकी लास्ट है, क्योंकि आज से आपका 1 शॉट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, और आज की क्लास में हम बेज प्रमेय संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना कैसे है, किस प्रकार से हम पहचाने कि वहां पर बेज प्रमेय ही लगेगी। समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदे हैं, ठीक है, और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदे हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छ चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? अगर आपने बच्चों पार्ट 1 देखा है, और यदि नहीं देखा तो जरूर देखें। ठीक है, बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पर रखे गए हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले जब आप नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पर यह कहा जाता है कि एक कोई थैला है, कोई इस प्रकार का थैला है, उसमें 5 काली 5 लाल गेंदें निकाली गई, पांच काली और 5 लाल गेंदें रखी गई हैं, उससे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बताइए। ये पूछा जाता है कि उस थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बताइए, काली गेंद निकलने की प्रायिकता बताइए, ये पूछा जाता है। जबकि जहां पर बेज प्रमेय लगना होता है वहां पर जस्ट इसका उल्टा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि आपको 2 थैले दे दिया जाएगा, उन 2 थैलों में से एक थैले से लाल गेंद निकाल ली जाती है, ठीक है, कंफर्म है कि निकाल ली जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि इस बात की प्रायिकता बताइए कि वह गेंद पहले थैले से निकाली गई है या वह गेंद दूसरे थैले से निकाली गई है। यानी गेंद पहले निकाल लिया, उसके बाद पूछ रहा है कि किस थैले से निकाली गई है। यह है उसका जस्ट उल्टा विपरीत, यानी गेंद निकाल ली गई, पूछा गया किस थैले से निकाली गई। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर देखिए, 2 थैले हैं, एक जिसमें 4 लाल और 4 काली है, दूसरा थैला ये है जिसमें 2 लाल और 6 काली गेंदे। तो पहले तो हम थैले को चुनेंगे ना, ये मान लो 2 थैले हैं, ये मान लो 2 आपके थैले, तो इन 2 थैलों में थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लेते हैं कि एक ये थैला है और एक ये थैला है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं E1 और इसका नाम दे देते हैं E2, ठीक है। इसमें 4 रेड है और 4 ब्लैक है, ठीक है, इसमें 2 रेड है और इसमें 6 ब्लैक है, 6 ब्लैक है, ठीक है। अब पहले तो हम गेंद निकालने से पहले चुनेंगे किस थैले को चुने, थैला E1 या थैला E2, तो इसी को हम लिखते हैं। हमें देखिए, सबसे पहले बेज प्रमेय पता होनी चाहिए, क्या है बेज प्रमेय। तो बेज प्रमेय देखिए, जिस चीज से हमें पूछे और इसमें कोई ना कोई एक चीज दिया होगा, हमें जो पूछता है वो पहले देख लेते हैं। पहले थैले से निकाली गई है, क्या है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, गेंद पहले थैले से निकाली गई। यदि प्रायिकता हमसे पूछा है, जो पूछे उसे रख देते हैं ऊपर, बट ए है क्या, ए ये है कि गेंद लाल निकल रही है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया। अब इसका फार्मूला होता है P E1 into P A by E1 plus P E2 into P A by E2। और भी घटनाएं हो तो और आगे जोड़ते चले जाइए। ये है आपकी बेज प्रमेय, क्या है, बेज प्रमेय, ठीक है। यहां पर हमें कंडीशन दी होती है। अब देखिए, E1 घटना मान लेते हैं, E1 क्या है, E1 घटना, गेंद पहले थैले से निकाली गई, गेंद पहले थैले से निकालने की घटना,
ठीक है, और E2 गेंद दूसरे थैले से निकलने की घटना, ठीक है, निकलने की घटना। और एक आपका मेन और एक घटना है, ए घटना ए क्या है कि गेंद लाल है, ठीक है, तो लिखेंगे गेंद लाल निकलने की घटना। अब हम पहले निकालेंगे पी ई वन कितने थैले हैं, दो थैले, दो थैलों में से एक थैला चुना जाना है जिसकी प्रत्यय हो जाएगी 1/2। संभव स्थिति एक चुने, कुल स्थिति दो है। इसी प्रकार से पी ई टू हम निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। उसके बाद पी, हमें क्या निकालना है, ए बाई ई वन है क्या, गेंद लाल है वो पहले थैले से निकली हो, तो पहले थैले में देखिए कितनी गेंदे, 8 इसमें भी हैं, 8 इसमें भी हैं, तो 4 लाल गेंदे हैं और 4 काली गेंदे हैं, तो लाल गेंद निकले की प्रवृत्ति से पूछा गया, तो 4/8 संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, तो इसको काटेंगे ये हो जाएगा 1/2 पी ए बाई ए टू, गेंद लाल हो पहले तो दूसरे थैले से निकली हो, तो यहाँ पर 2 है तो 2/8, ठीक है, ये है 2/8। वैसे ना काटते तो ज़्यादा अच्छा होता, चलिए इसको हम काट नहीं रहे, ठीक है, क्यों नहीं काट रहा वो अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा, 4/8, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होती है और क्या पता चलेगा। देखिए अब सीधे वैल्यू रखना है, पी ई वन अपान ए बराबर ई वन की वैल्यू 1/2 गुणे ए बाई ई वन, ये रहा 4/8 बटे 1/2 गुणे 4/8 प्लस पी ई टू ये रहा 1/2 गुणे 2/8। इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 4/8 × 16, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 4/8 × 16 प्लस 2/8 × 16, तो 4/16, यहाँ भी एलसीएम कितना है, 16 है, तो 4 + 2 16 से 16 कट जाएगा, कितना बचेगा, 4/6। अब इसे हम काट देते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2/3, ये है पी ए बाई ई वन, सॉरी पी ई वन अपान ए, यानी कि गेंद किससे निकला हो, पहले थैले से निकला हो और वो लाल है, इसकी प्रायिकता है 2/3, ठीक है। उम्मीद है बच्चों की बेज प्रेमी अब तो आपको समझ में आ गई होगी, ना समझ में आई हो कोई दिक्कत नहीं, अभी ढेर सारे सवाल भरे पड़े हैं बेज प्रेमी के, ठीक है, आप इस बार इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है, यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं, एक प्रकार से कंपटीशन है आपस में, पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। उत्पाद प्रारंभ होने की मतलब कि कोई एक काम शुरुआत करेगा, ठीक है, और कहा यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। कहने का मतलब है कि दूसरा दल जीतता है तो उसके नए उत्पाद के प्रारंभ होने की जो प्रायिकता है वो 0.3। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी यहां पर हमसे पूछा गया है कि नया उत्पाद तो प्रारंभ हो
लेकिन वो दूसरे दल के द्वारा, यानी दूसरा दल जीते। ठीक है, तो यहां पर दो दल हैं, तो यहां पर लिखेंगे माना माना E1 क्या है, पहला दल जीतने की घटना, पहला दल जीतने की, पहला दल जीतने की घटना। ठीक है, और E2 दूसरा दल जीतने की घटना, दूसरा दल जीतने की, जीतने की घटना हो गई। ठीक है, एक घटना आपकी और है, ए क्या है, ए ये है कि नया उत्पाद तो प्रारंभ होगा। ठीक है, तो लिखेंगे नए उत्पाद, नए उत्पाद के प्रारंभ होने की घटना, प्रारंभ होने की घटना। ठीक है, अब इनकी हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। PE1 पहला दल जीतने की प्रायिकता ये रही 0.6, 0.6। PE2 0.4। A by E1 मतलब पहला दल, देखो उत्पाद तो प्रारंभ हो वो पहले दल के द्वारा, तो उसकी प्रायिकता हमें दी गई 0.7, 0.7, और PA/E2 ये है 0.3। तो लिखेंगे बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया नया उत्पाद प्रारंभ हो वो दूसरे दल के द्वारा, ये कहा गया है। तो पी नया उत्पाद प्रारंभ हो ए दूसरे दल के द्वारा यानी कि E2, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा PE2 into PA by E2 / PE1 into PA by E1 प्लस PE2 into PA by E2। बस इसमें वैल्यू मात्र रख देना है, तो PA by E2 बराबर PE2 ये रहा 0.4, 0.4 मल्टीप्लाई PA by E2 ये रहा 0.3 बटे PE1 0.6, 0.6 मल्टीप्लाई PA by E1 0.7, 0.7 प्लस 0.4 और 0.3 गुणा करेंगे 4 × 3 = 12, 2 अंक पहले दशमलव बटे 7 × 6 = 42, यहाँ भी 2 अंक पहले दशमलव प्लस 4 × 3 = 12 यानी 0.12। आपस में इनको हम जोड़ें घटाएंगे, देखिए कितना जाएगा 2 × 2 = 4, 4 = 5। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा PA by E2 बराबर 12/54, 12/54। इसे हम 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 2 = 3, 8 = 24, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, यानी आ जाएगा 2/9, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, वैसे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका बेज प्रमेय से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आगे जो होंगे वो कुछ अलग तरीके के, अलग मेथड के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपने बेज प्रमेय अच्छे समझ लिया। बेज प्रमेय कब लगती है, जब हमें क्वेश्चन का जस्ट उल्टा पूछ ले। ठीक है, वहां पर कंडीशन अप्लाई होंगी,
वहां पर थैले के रूप में दिया होगा, निकालने के लिए बोलेगा कि इसमें से निकाला गया, उसमें से निकाला गया, इसकी प्रयक्ता बताइए। ठीक है, जस्ट उल्टा आपसे पूछेगा। चले क्वेश्चन नंबर दो के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीन में कहा गया कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर एक बटे दो, पी ए यूनियन बी बराबर तीन बटे पांच तथा पी बी बराबर पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर दो कंडीशन है, पहली है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और दूसरी यह है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो पहला हम सबसे पहले शुरू करते हैं, लिखेंगे क्योंकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, जीरो। कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी शून्य कॉमन है, तो इसका मतलब अपवर्जी है वो घटना। ठीक है, और हमें ये एक बात दे दी गई है, ये चीज इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू हमें दी गई है तीन बटे पाँच, पी ए की वैल्यू एक बटे दो, पी बी की वैल्यू पी और इसकी वैल्यू जीरो, ये धन से ऋण में आ जाएगा। ठीक है, जैसे पी बराबर हो जाएगा तीन बटे पाँच माइनस एक बटे दो, तो पी बराबर दोनों के लिए हो जाएगा दस, तो दो त्याही छः पाँच इकन्नम पाँच, तो हो जाएगा पी बराबर एक बटे दस। ये हो गया आपका पी का मान जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है, नंबर दो लिखेंगे, जब घटनाएं स्वतंत्र हो तब, तब क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होता है वो होता है पी ए गुणे पी बी, ये होता है। ठीक है, और हमें क्या करना है कि अपने उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है, पी ए यूनियन बी का, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू हो गई तीन बटे पाँच। ठीक है, बराबर पी ए की वैल्यू एक बटे दो, पी बी की वैल्यू पी माइनस इसका हो जाएगा पी ए गुणे पी बी। ठीक है, ये धन से आप ऋण में ला सकते हैं, लेकिन अभी रुक जाइए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, एक बटे दो प्लस पी पी ए की वैल्यू हो गई एक बटे दो, पी बी की वैल्यू हो गई पी। ठीक है, इसे हम धन से ऋण में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा तीन बटे पाँच माइनस एक बटे दो, बराबर ये हो जाएगा पी माइनस पी बटे दो, इधर दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा दस। ठीक है, तो ये दो त्याही छः, दो तो त्याही छः पाँच इकन्नम पाँच, इसमें एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा दो, ये हो जाएगा टू पी माइनस पी, तो यहाँ से आ जाएगा एक बटे दस बराबर पी बटे दो, काटेंगे तो हो जाएगा दो पंचे दस, यानी पी बराबर आ जाएगा एक बटे पाँच, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर तीन के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर चार।
क्वेश्चन नंबर चार देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर चार में कहा गया कि एक पासे को तीन बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें कहा गया कम से कम, सबसे खास बात यह है जब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेना, बहुत सिंपल से तक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक पासा फेंकेंगे तो कंडीशन कितनी बनती है। देखिए एक पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर क्या क्या नंबर आते हैं? एक आता है, दो आ जाता है, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है, ये नंबर होते हैं। अब यहां पर जो हमसे कहा जाए ना विषम संख्या प्राप्त होना का, तो इसका जस्ट उल्टा निकाल ले, यानी सम संख्या, यानी विषम संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। तो लिखेंगे पहली उछाल पर, पहली उछाल पर विषम संख्या, विषम संख्या ना प्राप्त होने की, ना प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं कौन कौन सी नहीं है? एक तो हो गई आपकी दो, चार, छह, ये सम संख्याएं, यानी संभव स्थिति तीन है, कुल स्थिति छह है, काटेंगे इसको तो हो जाएगा एक बटे दो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली उछाल। अब लिखेंगे दूसरी उछाल, क्या लिखेंगे? दूसरी, दूसरी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त ना होने की प्रायिकता, वो भी कितनी हो जाएगी? एक बटे दो। फिर उसके बाद तीसरी, तीसरी उछाल पर विषम संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी एक बटे दो, ठीक है। हमसे जो पूछा है उसे लिख देना है, कम से कम, कम से कम एक बार विषम संख्या, सॉरी विषम संख्या प्राप्त होने की, होने की प्रायिकता का फार्मूला होता है वन माइनस जितने भी आपके जस्ट विपरीत निकाले गए हैं ना उनका आपस में मल्टीप्लाई, वन बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई टू। यदि यहां पर हमसे कहा कहता कि कम से कम एक बार सम प्राप्त, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो हम निकालते विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा आपका वन माइनस वन बाई एट, इसे सॉल्व करेंगे आठ का नम आठ को देख जाएगा सात, सात बटे आठ, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो जब कभी भी आपको ये चीज दिख जाए ना कम से कम, और जो हमसे पूछे उसका जस्ट विपरीत निकाल लीजिए, जो पूछ रहा है उसका विपरीत, ठीक है। और जैसे ही विपरीत निकाल लेना है उन सभी के गुणांकों, गुणनफलों को वन से घटा देना है, बस आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चार हमने फाइनल सॉल्व कर लिया है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पांच में कहा गया कि किसी प्रश्न को तीन छात्रों ए बी सी के हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः तीन बटे सात, सॉरी तीन बटे दस, एक बटे पांच तथा एक बटे दस है, तो प्रश्नों, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहां पर कहा, पूछा गया कि प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो प्रायिकताएं प्रश्नों के हल होने की दी है ना, हमें हल ना होने की निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी व सी के द्वारा, के द्वारा
प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकताएं क्रमशः 3/10, 3/10, 1/5, 1/10 है। तो ए बी वासी के द्वारा प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकताएं क्या होंगी। देखिए, यदि हम पी ए निकालें, क्या निकालें, पी ए, तो हमें क्या करना है, एक से घटा के इसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर एक होती है। तो घटना ना घटने की प्रायिकता से, सॉरी, घटना ना घटने की प्रायिकता निकालनी है, तो हमें क्या करना है कि घटना ना घटने की प्रायिकता हम निकालना है, ठीक है। ये तो घटना घटने की प्रायिकताएं दी गई हैं, तो हम निकाल लेंगे ए डैश, तो एक से घटा देते हैं, 10 से 10, 10 से 3 जाएगा, 7/10। इसी प्रकार से पी बी डैश निकालेंगे, 1 - 1/5, 5 * 5, 5 से 1 जाएगा, 4/5। पी सी डैश, 1 - 1/10 यानी कि 9/10, ठीक है। अब लिखेंगे ए कामा बी वासी के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - PA' मल्टीप्लाई पी बी डैश मल्टीप्लाई पी सी डैश, ये होगा, ठीक है। और हो जाएगा 1 - PA 7/10, 4/5, 9/10। तो 1 - इससे गुणा करा लीजिए, 7 * 28, 28 * 9, 9 * 8 = 72 के तो हासिल हो जाएगा 7, 9 * 2 = 18, और 18 * 7 कितना हो जाएगा, 25, 18 * 7 = 25, 25/ कितना हो जाएगा, 100 और 100 * 5, बस इसको काट लेते तो ज़्यादा आसान हो जाता, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। 2 * 2 = 4, 2 * 5 = 10, 2 * 1 = 2, 2 * 5 = 10, तो यहाँ पर बचेगा 7 * 9 = 63, 5 * 5 = 25, 5 = 125, 125 * 1 = 125, 125 से 63 घटा देंगे तो हो जाएगा 62/125, ये हो जाएगा आपका पांचवें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि नहीं आया, वैसे समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत और परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आपके इस पूरे किताब के लास्ट का 1/8 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 8 अंकों वाला प्रश्न है और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है,
तथा पासे उछालता है और बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। यहाँ पर दो घटनाएं हैं। पहली तो हमारी देखिए, यहाँ पर सबसे पहली खास बात यह है कि उसने जो चीज दे देता है ना वो हमारी घटना ए होती है। उसने कहा कि बतलाता कि आने वाली संख्या क्या है, 6 है, तो लिखेंगे ए। ए ए क्या है, लिखेंगे ए पासे पर आने वाली संख्या 6 है, ठीक है। अब ईवन घटना क्या हो जाएगी, ईवन घटना यह है कि पासा फेंकने पर देखिए उसने कहा कि 6 आता है, ठीक है, तो पासा फेंकने पर 6 का आना, ये हमारी घटना E1 हो गई। अब E2 घटना क्या हो जाएगी, पासा फेंकने पर 6 का ना आना। अब इन दोनों की प्रायिकता निकाल लीजिए, ये हो जाएगी PE1। आपको पता है पासा फेंकने पर कितने नंबर आते हैं, नंबर कितने आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 6 नंबर आपके आते हैं। तो पासा फेंकने पर 6 का आना, कितनी कुल घटनाएं हैं, 6 हैं, संभव कितनी है, 1 है, एक ही बार 6 आ सकता है, यानी 1/6। और E2 घटना क्या है, PE2, 6 का ना आना, फिर कौन आएंगे, ये 5 नंबर आ सकते हैं, तो संभव स्थिति 5 है, कुल स्थिति 6 है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा यह है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है वो 3-4 में से 3 बार सत्य बोलता है, ठीक है, तो लिखेंगे PA/E1। PA/E1 क्या है, पासे पर 6 का आना है, ठीक है, और पासा फेंकने पर 6 का आना। वैसे यहां पर हम ये लिख देते हैं कि वो सत्य बोलता है, ठीक है, वो क्या करता है, सत्य बोलता है, तो इसे हम लिख देते हैं व्यक्ति का सत्य बोलना और A/E2 क्या है, व्यक्ति का असत्य बोलना, ठीक है। इनकी प्रायिकता निकाला जाता है PA/E1, क्या प्रायिकता है कि 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, यानी संभव स्थिति 3 है, कुल स्थिति 4 है। PA/E2 क्या है, A/E2, तो आप इसे घटा सकते हैं, 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 4 × 4 = 3 जगह, तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। आप मोटा मोटा दिमाग लगा सकते हैं कि 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, 1 बार सत्य बोल रहा है, यानी कि संभव स्थिति 1 है, कुल स्थिति 4 है, ठीक है। अब लिखेंगे बेज प्रमेय से हमसे पूछा क्या गया, सबसे पहले तो ये पी संख्या 6 होनी चाहिए और वो क्या है, वास्तव में यानी सत्य बोल रहा है, ठीक है, तो PE1 × PA/E1 / PE2 × PA/E2। अब यहाँ पर वैल्यू रख देना है, PE1
कितनी है? पी ई वन एक बटे छ गुणे गुणे पी ए बाई ई वन, ए बाई ई वन ये रही तीन बटे चार बटे एक बटे छ गुणे तीन बटे चार प्लस पी ई टू ये रहा पांच बटे छ गुणे पी ए बाई ई टू, ए बाई ई टू ये रहा एक बटे चार। ठीक है, इसे हम थोड़ा हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा छः चौको चौबीस यानी तीन बटे चौबीस, यहाँ पर भी हो जाएगा तीन बटे चौबीस प्लस पाँच बटे चौबीस। ऊपर तो हमारा तीन बटे चौबीस ही रहेगा जबकि नीचे सेम एलसीएम है चौबीस, तो ये हो जाएगा तीन प्लस पाँच, चौबीस से चौबीस कट जाएगा तो आ जाएगा तीन बटे आठ, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि एक से लगा के छः तक के सारे क्वेश्चन आपको आज की क्लास में समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आए हों और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, और पूरी की पूरी जितनी भी 160 थी आपकी कक्षा 12 की गणित की, जो चैप्टर 1 से लगा के लास्ट तक की जो 160 है उसका लिंक अगर आप जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारी की सारी वहां से एक तरफ से पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है 160 की, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो भी चैप्टर सब आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो मिलते हैं आगे की जो हमारी क्लास होगी बहुत बेहतरीन, आपके पेपर आते आते हम आपको पूरे किताब का एक पेपर बना के देंगे। ठीक है, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे, तो उस क्लास का आप लोग वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।